नमस्ते, जय जगन्नाथ। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुकू फैक्ट्स पे। आज की वीडियो हम लाए हैं दुर्गा पूजा से जुड़ी कुछ रोचक बातें, जिसमें हम वर्णन करने जा रहे हैं नव दुर्गा से जुड़ी कुछ रोचक बातें। आखिर नव दुर्गा है कौन और नव दुर्गा के नौ रूप कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ इनके पीछे छिपे कहानी क्या है, आखिर वो पौराणिक क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बिना देर के प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो नव दुर्गा। नव दुर्गा सनातन धर्म में भगवती माता दुर्गा जिन्हें आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा भी कहा जाता है, भगवती के नौ मुख्य रूपों में से एक है, जिनकी विशेष पूजा व साधना नवरात्रि के दौरान और वैसे भी विशेष रूप से की जाती है। इन नौ दुर्गा देवियों को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन है, अस्त्र शस्त्र है, परंतु यह सब एक है और सभी परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट होती है। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के अंतर्गत देवी कवच स्तोत्रम में निम्न श्लोक में नव दुर्गा के नाम क्रमशः दिए गए हैं। वो श्लोक है, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्र घंटेति कुष्मांडित चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातीति षष्ठ कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्राह्मणैव महात्मना। अब चलिए बात करते हैं माता के नौ रूपों के बारे में, जिनमें से उनका प्रथम रूप है शैलपुत्री। देवी दुर्गा के नौ रूप होते हैं जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है, ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमलशू शोभित है, यही सती के नाम से भी जानी जाती है। अब चलिए जानते हैं इनसे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इनमें सारे देवताओं के निमंत्रित किया गया, पर अपने दामाद भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती संतुष्ट नहीं हुई। सती का प्रबल आग्रह देकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंचे तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे, भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे, इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का ये अपमान सह न सकी और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस अनिष्ट से व्यथित होकर शंकर भगवान ने केश से वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने हजारों गणों के साथ भेजा और उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यह सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाए। शैलपुत्री पार्वती जी का ही कठोर तपस्या के बाद उनका लोक कल्याण की भावना से विवाह फिर शिव भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी बनी। इस देवीय कथा का महत्व और शक्ति अनंत है। इनके अन्य नाम हैं सती, पार्वती, वृषारूढ़ा, हेमवती, काली, दुर्गा और भवानी भी इन्हीं परमेश्वरी देवी के अन्य नाम हैं। अब चलिए बात करते हैं माता के द्वितीय रूप जो कि है ब्रह्मचारिणी।
नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाला। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। अब चलिए जानते हैं इनके पीछे पौराणिक कहानी क्या है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय की घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अद्भुतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्हीं से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। अब चलिए जानते हैं माता के तीसरे रूप के बारे में, जो है चंद्रघंटा। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजा आराधन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस देवी की कृपा के साधन को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि हम निरंतर उनके पवित्र विग्रहों को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और शांति देने वाला होता है। इस देवी के मस्तक पर घंटे का आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं, वे खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे भी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। सावधान के साथ ही माँ की उपासना करनी चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम
पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। अब चलिए जानते हैं माता के चौथे रूप के बारे में, जो है कुष्मांडा देवी। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा की जाती है। अपने मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईश्वर हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि की आदिस्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा भी कहलाए। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपुंड, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हाड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हाड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा देवी भी कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में ही है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दिव्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्र के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रगों और शोकों का नाश होता है तथा उससे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सुखमय भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आंधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख समृद्धि और उत्पन्न प्रदान करती है। उन्नति प्रदान करने के संत भी साथ, अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। अब चलिए जानते हैं स्कंद माता के बारे में। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खुलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाएं तरफ ऊपर वाली भुजा में बरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवन में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनके गोद में विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाएं तरफ ऊपर वाली भुजा में बरत मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्र में इनका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठाती देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाते हैं। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं होती। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। अब चलिए जानते हैं माँ कात्यायनी के बारे में।
माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम है कात्यायनी। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नवरात्रि में छठे दिन में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। मान्यता की अगर बात करें तो इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी सहजता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय सभी नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कात्यायन गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा यह थी कि उनकी एक पुत्र की प्राप्ति हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाए। इनका गुण शोध कार्य में है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज के गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए यह ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। इनकी चार भुजाएं हैं। दाएं तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। अब आते हैं कालरात्रि स्वरूप के बारे में। माँ दुर्गा जी की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के सातवें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियों उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप अत्यंत भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के तीन नेत्र हैं। यह तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनके सांसों से अग्नि निकलती रहती है। यह गंधर्व की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने हाथ की तरफ का नीचा वाला हाथ अभय मुद्रा है, यानी भक्त हमेशा निडर और निर्भय रहे। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़गे है। इनका रूप भले ही भयंकर और है, परंतु यह सदैव शुभ फल देने वाली माँ होती है, इसलिए यह शुभंकरी भी कहलाए। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत होना या फिर आतंकित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगते हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाता है। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। अब चलिए जानते हैं महागौरी के बारे में। माँ दुर्गा जी की आठवीं शक्ति का नाम है महागौरी। दुर्गा पूजा के आठवें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। नवरात्रि में आठवें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका स्वरूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवे गौरी यानी इनकी है।
इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत है, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धारा कहा गया है। इनकी चार भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषरूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। अगर मान्यता की बात की जाए तो पतिस रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, इसी कारण से इनका शरीर काला पड़ गया। परंतु तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए यह महागौरी कहलाए। यह अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। एक और मान्यता ये भी है कि एक भूखा सिंह भोजन के तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती है। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वो देवी की तपस्या से उठने का प्रतीक्षा करते हुए वहीं पर बैठा गया। इस प्रतीक्षा में वो काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत ही दया आ गई। उन्होंने खाद्य भाव और प्रसन्नता से उसे भी अपना वाहन बना लिया, क्योंकि वह उनकी तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा में स्वयं भी तप कर बैठा। कहते हैं जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। अंत में बात करें तो माता सिद्धिदात्री के बारे में। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र के नौवें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता ये है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधन करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर भी आसित होती है। नवरात्र में यह अंतिम देवी है। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। अगर मान्यता की बात हम करें तो माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवता देवियों की उपासना भी स्वयं हो जाती है। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी होती है। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाती है। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य इसित्व और वशित्व आठ सिद्धियां होती है। इसलिए इस देवी की सच्चे मन से विधि विधान से उपासना आराधना करने से ये सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं कि भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था, इसी कारण शिव अर्धनारेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इस देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। विधि विधान से नौवे दिन इस देवी की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती है। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं की पूर्ति हो जाती है। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उपासना करनी चाहिए। इस देवी का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की असरता का बोध कराता है और अमृत पद की ओर ले जाती है। तो ये थी माँ के नौ रूपों की कथा। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने एक ही वीडियो में माँ के नौ रूपों के बारे में आपको बताया है। अगर हमसे भूल चूक हो जाए तो कृपया हमें माफ़ कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भी बताना ना भूलें आपको वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा हो। आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी नई कहानी नए अध्याय संग। तब तक के लिए धन्यवाद।